हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। हे गाइस, अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में 5 मिनट में पूरा ख़त्म करवा दूंगा। तो देखो, 5 मिनट में ख़त्म होगा तो 5 मिनट के जैसा ही ख़त्म होगा। तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखते चलता हूँ, आप लोग लिख लेना। प्रोसेस डेल्टा यू पहले लिख लेते हैं, ठीक है, एनर्जी, उसके बाद हम लोग डब्लू हीट एनर्जी W, ठीक है, इसे E भी बोलो या डेल्टा U जो बोलना है बोल सकते हो आप लोग। तो पहला प्रोसेस हो गया साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस में Q बराबर W हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वर्ग टन क्या चाहिए हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन। आइसोकोरिक प्रोसेस में Q इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा यू इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी, डब्ल्यू इक्वल टू 0। जेई मेंस में तो डायरेक्ट पूछ दिया था कि कब हम लोगों का डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू बराबर यू होगा, ठीक है, मतलब डब्ल्यू बोलना चाहता था वहाँ पे हीट कांस्टेंट कब होगा, वर्क डन हीट कांस्टेंट कब होगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा ऑफ गैस, ये हो गया। अब आता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब क्या चाहिए, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो Q बराबर क्या चीज हो जाएगा, W हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वर्क डन इक्वल टू म्यू आर टी लॉग बेस सी वी फाइनल बाई वी इनिशियल, वॉल्यूम है। अगर प्रेशर दे देगा तो फिर से क्या करना, प्रेशर में क्या करना, पलट देना, क्योंकि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। तो यहाँ पे P इनिशियल बाई P फाइनल कर देना अगर प्रेशर पूछेगा तो। तो दो फार्मूला लिख लेना, V फाइनल बाई V इनिशियल की जगह P इनिशियल बाई P फाइनल एक अलग से लिख लेना फार्मूला को, बाकी ये सब सेम होगा। लास्ट आता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक हो गया तो एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या चीज बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U, बस इसी को पुट करते जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। आप लोगों को आइसोबारिक में क्या चीज होता है, आइसोबारिक में आइसोकोरिक आया है, तो आइसोकोरिक में आप लोगों को क्या चीज होता है, आइसोकोरिक में वो वॉल्यूम जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। तो वर्क डन इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, तो V ही कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन यहाँ पे मैंने 0 लिया होगा, वर्क डन बराबर 0। तो अब यहाँ पे उतना समझाने का समय नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करूँ, एकदम 5 मिनट में पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स यहाँ ख़त्म कर दूंगा मैं। म्यू आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाई 1 माइनस गामा। आइसोबारिक देख लो, आइसोबारिक में क्यू इक्वल टू म्यू सी पी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू म्यू इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी, और वर्क डन इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और इक्वल टू म्यू आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यही हो गया पूरा क्वेश्चन, यहीं से पूछे जाएंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा। सी पी बाई सी वी इक्वल टू गामा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, मतलब ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा याद रखना पड़ेगा। मोनोएटॉमिक के लिए 5/2R 3/2R, डायएटॉमिक के लिए 5/2R, तो ऐसे पूरा याद रखना पड़ेगा। डायएटॉमिक के लिए क्या करना है, मोनोएटॉमिक के लिए क्या होगा, ट्राईएटॉमिक के लिए क्या होगा। तो पहला तो ये चीज़, ठीक है, स्पेसिफिक मोलर कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू वॉल्यूम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूरा याद होना पड़ेगा, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें करना है। पी वी इक्वल टू पी वी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा एडियाबेटिक में, ये चीज़ याद रखना। और अगर टी टू और प्रेशर में दे देगा, टी और प्रेशर में रिलेशन दे देगा, तो मान लो ये टी टू हो गया और ये पी टू हो गया, टी का पावर गामा पी का पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू टी 1 का पावर गामा इंटू पी 1 का पावर 1 माइनस गामा। तो ये रिलेशन से आप लोग टेम्परेचर और प्रेशर में डेविएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों का एक और है, वॉल्यूम से अगर दे दे, वॉल्यूम से रिलेशन दे दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, वो छोड़ दो, ये हो गया। अब आ जाओ कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में आप लोग एक फार्मूला मैं बताता हूँ, इफिशियंसी इक्वल टू 1 - T2/T1 × 100%, ठीक है। और याद रखना कि जो हमारा 1 - Q1/T1 = Q2/T2 होता है, और इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है हम लोगों का W/Q1, ठीक है, W/Q1, जितना फॉर्मूला बता रहा हूँ लिखते चलो। फिर इफिशियंसी इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, T1 - T2 बाई
टी वन इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन, ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये कार्नोट इंजन था, ठीक है, कार्नोट इंजन एकदम शॉर्ट फॉर्म में, कोई भी क्वेश्चन उठाओ फॉर्मूला बैठाओ बन जाएगा, 100% गारंटी है। और एक चीज़ याद रखना, अगर वॉल्यूम में देगा जो बताने वाला था, टी वन इंटू वी टू गामा का पावर माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा टी टू इंटू वी थ्री जो भी गामा का पावर माइनस वन, मतलब मिला जुला करके वी टू बाई वी वन इक्वल टू वी थ्री बाई वी फोर आएगा। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन हो गया रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर बीटा इक्वल टू क्यू टू बाई डब्ल्यू इक्वल टू क्यू टू बाई क्यू वन माइनस क्यू टू, और बीटा इक्वल टू एक लास्ट फार्मूला टी टू बाई टी वन माइनस टी टू। कोई भी क्वेश्चन उठा लो बैठा लो बना लो। क्यू टू होता है आपका कोल्ड रिजर्वोयर, कोल्ड रिजर्वोयर, और क्यू वन होता है हॉट रिजर्वोयर, ठीक है। यहाँ पे क्यू टू होगा सिंक और क्यू वन होगा ऑन द सोर्स, ठीक है, ऑन द सोर्स पे, ठीक है, हीट ऑन द सोर्स और सिंक का होगा क्यू टू। खत्म हो गया 6 मिनट में ये थर्मोडायनेमिक्स फिनिश। क्वेश्चन उठाओ बना लो, दिमाग से बनेगा भाई, फिजिक्स है, अब ऐसा नहीं कि रट के, फिजिक्स है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स दिमाग से बनेगा, पर हाँ फॉर्मूला आना जरूरी है, विदाउट फार्मूला क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का नहीं बनेगा, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट प्लस दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, जैसे कॉन्सेप्ट भी वहाँ काम नहीं करेगा, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है, विदाउट ब्रेन का इस्तेमाल किया आप लोग नहीं बना पाएगा। मान लो प्रेशर इक्वल टू मैंने दे दिया, ए सिस्टम है बी सिस्टम में, प्रेशर 8 × 10⁵ है, बी सिस्टम का प्रेशर 4 × 10⁵ है, वॉल्यूम मैंने 0.2 दे दिया, वॉल्यूम एक जगह 0.5 दे दिया, आप बोल दिया कि मैंने वर्क डन बता दो, तो बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी दिमाग में चल रहा होगा डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, तो पी क्या चेक कर लेंगे 8 + 4 × 12 × 10⁵ कर लेंगे, और डेल्टा वी इक्वल टू 0.5 × 0.3 कर लेंगे, माइनस कर दिए यहाँ से डेल्टा वी, वी टू माइनस वी वन, और 12 × 3 = 36 कर लेंगे, 0.1 बैठा देंगे, 10⁵ कर लेंगे, और ये गलत हो जाएगा, यहाँ लगेगा दिमाग। सिर्फ इतना मैंने दे दिया, उसके बाद वर्क डन पूछ लिए, तो आप ऐसे बनाइएगा गलत हो जाए, दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा जा रहा है, आप क्या कैसे ऐसे ऐसे खींच दिए, ऐसे ऐसे लाइन बनाए, ठीक है, यहाँ पे दे दिया हम लोग 4 × 10⁵, और यहाँ पे दे दिया 8 × 10⁵, ठीक है, यहाँ पे हो गया 0.2, यहाँ पे हो गया 0.5, एरिया अंडर शेडेड का शेडेड पाथ यही हो जाएगा, इसका निकाल लीजिए वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है, यहाँ से वर्क डन बनेगा, ठीक है, रिटर्न फॉर्म में मिलेगा ना कि डायग्राम मिलेगा, डायग्राम खुद से बना करके सोचना पड़ेगा, उसी को तो फिजिक्स बोलते हैं, ठीक ना, तो क्लियर बात है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग सोचिएगा कि ये फिजिक्स बता दिए क्या चीज़ होता है, बाकी ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए काम कर जाएगा, अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।